अरबी के पत्तों से बना हुआ नाश्ता, रोल, पकौड़े और सब्जी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है और हम लोग इनको बारिश के मौसम में ही ज़्यादातर बनाकर खाते हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में मिलने वाली ये सब्जी इंडियन फूड में बहुत ही फेमस है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है और मैंने ये वीडियो आज बनाकर तैयार किया है आप सभी के लिए। अगर आपको अरबी के पत्ते बनाने का ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ मोहिनी और मेरे चैनल फूड एम फूड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं और इनसे आपके काम थोड़े भी इजी होते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरबी पत्ता रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेश अरबी पत्ता। मैं यहाँ पे बहुत बड़े पत्ते ना लेकर मीडियम साइज़ के और छोटे पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इनसे अरबी रोल में बहुत सॉफ्टनेस आएगी। तो चलिए हम लोग इनको प्रिपेयर करेंगे। मैंने इनको धोकर साफ़ कर लिया है, डंठल इनसे अलग कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। एक बाउल में ऐड करेंगे बेसन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन और प्याज का पेस्ट और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। घोल बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। अच्छे से हम लोग फेटेंगे, चलाएंगे, बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि एक सार ना हो जाए। तो ये लीजिए, बैटर बनकर रेडी है। अब हम लोग पत्ते लेंगे। अरबी के पत्ते को इस तरीके से रखना है, देख सकते हैं आप, हमें इनको उल्टा रखना है और तभी हमें इनके ऊपर ये पेस्ट लगाना है। अगर इनको सीधा रखेंगे तो इनका रोल खुलेगा, अच्छे से बंद नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा बेसन का पेस्ट जो हमने बनाया लेते जाएं और अच्छे से लगाते जाएं पत्ते के ऊपर। बहुत ज़्यादा पेस्ट हमें किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमें इनको फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये सब तरफ एक बराबर फैले। अब हम एक के बाद एक पत्ते लेते जाएंगे और इस तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। सबसे पहले कोई भी एक बड़ा पत्ता ले लीजिए, उसके बाद हम सभी छोटे पत्ते इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 6 से 7 पत्ते इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि पत्ते छोटे और मीडियम साइज़ के हैं। अब हम इनको इस तरीके से घुमाएंगे और इस साइड से इसको रोल करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे। अगर आपके हाथ थोड़े गंदे हो जाएं तो डोंट वरी, अरबी के पत्तों को अगर टेस्टी बनाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो किसी ब्रश की हेल्प से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम लोग कोई फैला हुआ बर्तन लेंगे, कोई कढ़ाई या कोई स्टीमर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसको कढ़ाई में एक बाउल रख रही हूँ बिल्कुल मिड में, और उसके ऊपर मैंने एक जाली रखी है। कोई छलनी रख सकते हैं, कोई छेद वाला बर्तन रख सकते हैं और उसके बाद इनके ऊपर हम सभी पत्तों को रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी पत्ते रख लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें अरबी के पत्तों से छलनी के नीचे तक ही रखना है, अरबी के पत्ते उसमें डूबे ना। तो मेरी कढ़ाई के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आप बर्तन के गहराई के हिसाब से पानी ऐड करिएगा। अब इसको हम लोग हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे और जब इसमें एक उबाल आएगा तो उसके बाद हम लोग इसको 20 से 25 मिनट तक सिम फ्लेम पर पकाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम लोग किसी टूथपिक या चाकू की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर टूथपिक पर ये इसमें बेसन ना लगे तो ये पक चुके हैं। अब इनको बाहर निकालिए पानी से और ठंडा करिए 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद हम लोग इनको कट करेंगे। मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ इनको मीडियम पीसेस में
कट कर रही हूँ, आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कट करके मैंने तैयार कर लिए हैं। ये जितने ठंडे होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे, तो बहुत अच्छे से ठंडे हो जाने दें, उसके बाद ही इन्हें फ्राई करें। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो मैंने यहाँ पर सारे अरबी के पत्ते ऐड कर दिए हैं सरसों के तेल में। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमें इनको धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाना है ताकि इनमें क्रिस्पीनेस आ सके। ये जितने ज़्यादा करारे बनेंगे उतने ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इनको दोनों साइड से करारा सेक लिया है। तो ये लीजिए, अरबी के पत्ते सिक चुके हैं। अरबी के पत्ते सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको अब किसी भी प्लेट पर निकाल लीजिए। गर्मा गर्म अरबी के पत्ते के रोल बनकर तैयार हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी वापस आती हूँ एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।